पॉलिटिकल रिएक्शंस है। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। प्रमोद तिवारी जी, संघ की तरफ से आप अगर उसके ऊपर कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि इंद्रेश कुमार जी ने काफी एक कड़ी टिप्पणी दी है सर, कहा है कि जो राम भक्ति में विलीन थे वो एरोगेंट हो गए और जो राम भक्ति में विश्वास ही नहीं रखते उनको पावर तो इस दफा दी ही नहीं। देखिए, उनका अनुभव भाजपा के साथ है, भाजपा के बारे में जो सर्टिफिकेट देना चाहें दें, उससे हमें इनकार नहीं। पर हम बहुत पहले कह चुके हैं कि हम ना आरएसएस की तरह ना बीजेपी की तरह दिखावे में विश्वास नहीं करते, भगवान राम के नाम पर व्यापार में विश्वास नहीं करते। हम भगवान राम के सच्चे पुजारी हैं, हमारी पूरी आस्था उनमें है, हमारा पूरा विश्वास उनमें है, परंतु हम उन्हें मंदिरों में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, अपने निजी जीवन में रखते हैं, राजनीतिक जीवन में हम भगवान राम को नहीं लाते। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की व्यापारी है, हम राम के पुजारी हैं, तो वो उनका व्यापार करती है, चुनाव में बेचती है उनको, उनके नाम पे वोट मांगती है, कभी कहेगी रामलला हम आए हैं, कभी कहेगी कि जिन्होंने मंदिर बनवाया वोट उन्हीं का है। ये सारी बातें कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थ और व्यापार की बात करती है। एक बात से मैं जरूर सहमत हूँ इंद्रेश जी के, और वो है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अहंकारी हो गया था। उनके चलने में, बोलने में, बात करने में, जिस तरह से वो कदम उठा रहे थे, पूरा अहंकार छलक रहा था, अहंकार दिख रहा था। और राजनीति में अहंकार होना बहुत ही खराब बात, उस पर मैं जरूर से सहमत हूँ कि उनको, उन्होंने जो ये नोटिस किया है, पहले उनके सर संचालक प्रमुख उन्होंने किया और अब दूसरे प्रमुख इंद्रेश, यानी कि आरएसएस इस बात को महसूस कर रहा है जो विपक्ष ने पहले महसूस कर दिया था, पर ये चुप रहते हैं, इनकी सुनता कोई नहीं। अब जब सुनता नहीं तो अब बोलने से क्या फायदा, चुनाव के पहले क्यों नहीं बोले। जी धन्यवाद आपका प्रमोद तिवारी जी। ऑफ कोर्स दैट इज द कांग्रेस दैट प्रज्ञा हाफ हार्टेडली अग्रीइंग विद हाफ ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ यू नो द आरएसएस सेइंग दैट इफ दे नीड टू कमेंट देन दे शुड कमेंट ऑन द बीजेपी'स परफॉर्मेंस बिकॉज दिस टाइम अराउंड एज अकॉर्डिंग टू द प्रोमिसेस दैट दे वर मेकिंग द पार्टी ऑन इट्स ओन कुडंट फॉर्म द गवर्नमेंट। Well, I would say that Congress, in fact, has been very selective in what Indresh Kumar, RSS leader, has said. In fact, RSS leader never sort of endorsed what opposition did. In fact, he went on to say that those who did not believe in Lord Ram have been defeated. So it's also a take on opposition as such, and not just on BJP, because BJP is a political party that draws its ideological strength from RSS, and RSS did not want to harm BJP, but there is a strong message that RSS also want to send to BJP, and which is what Indresh Kumar and Mr. Mohan Bhagwat seems to be suggesting and saying, that you have to leave arrogance, you have to see that there is a dignity of people and cadre as well, you have to listen to others, you should not treat opposition as enemies but as adversaries. There is no vipaksh, there is pratipaksh. So in a way they are saying, please don't create divisions, and don't create divisions that cannot be fulfilled and that divides the society in basis of caste and religion. All they are saying is that you also need to be very conscious of the fact that there should be opposition in name of opposition as well. You criticize the opposition for what they did and what they have been doing, but that does not give you any sort of right to divide the society on basis of caste. Even if opposition is doing that, you right. also need to understand that there may be some kind of element of truth in that. This is exactly what Mr. Mohan Bhagwat has said when he pointed out Manipur's case, when he said that Manipur has been burning for past one year. We thought that there is a peace, but then there is gun culture also. So there is a it's a direct take on the government. Having said that, we want to hear once again, as far as the strong words that have been used by Mr. Indresh Kumar, also coming up on the lines where Mohan Bhagwat seems to be suggesting that there needs to be dignity and there needs to be honesty when it comes to the election process. जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया
उस पर 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे तो उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुलम किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। Well, Pragya, given the statement that is now coming in from the RSS leaders, the biggest highlight seems to be, especially when it comes to Ayodhya and the BJP leader there, right after the Grand Pran Pratishtha that happened in January, the BJP could not manage to win the seat from Ayodhya. Well, the counter that BJP is giving here is that they won Ayodhya, but they did not win Faizabad, which is a parliamentary constituency. Having said that, obviously there is a larger message that the BJP must have sent across. In fact, this is the point that opposition is also using against BJP. And BJP time and again maintained that while it is not a political event, the trust invited every political leader, in fact the national presidents of every political party were invited. Many believe that those who had worked, who has done Kar Seva and who are instrumental in ensuring that there is a movement for Ram Temple, many of them have been ignored. So there was a larger sentiment that time also, but trust in fact kept on adding those people who have been ignored in the initial invite. That is all. But there is a larger sentiment among people and BJP on whose ideological agenda was construction of Ram Temple. Obviously, it became a political issue in the election, irrespective whether BJP agrees or not and whether right. It says that it was well, or arrogance not. Is the it word became time a political issue. That is being used both when it comes to the ruling dispensation and also when it comes to the opposition, saying that this is the arrogance that seems to have taken the better of them. Let me go across to IP Singh ji. IP Singh ji, chahe wo Mohan Bhagwat ji ho, chahe wo Indresh Kumar ji kyun na ho, Sangh ki taraf se sir ye kaha ja raha hai ki ahankar ki wajah se ना बीजेपी को अपना वो मत मिला ताकि वो सरकार अपने बलबूते बना पाए, ना ऑपोजिशन को मिला क्योंकि वो राम विरोधी है। देखिए संघ जब से चुनाव का परिणाम आया है तब से संघ लगातार, संघ के जो नेता हैं लगातार बीजेपी पर और विशेष तौर से देखा जाए तो श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर हमलावर है। कारण ये कि जिस तरह से आप आंतरिक लोकतंत्र था जो बीजेपी के अंदर वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। भगवान राम के नाम पर जिस तरह उसका बाजारीकरण किया गया, जिस तरह से साधु संतों महात्माओं और जो भी बड़े बड़े धर्म गुरु थे उन्होंने भी मना किया कि अभी जो मुहूर्त है राम मंदिर के वो मुहूर्त अभी ठीक नहीं, लेकिन मोदी जी माने नहीं उसको, उसका उन्होंने पूरी तरह बाजारीकरण किया। उसी संघ बेहद आहत हुआ है और संघ लगातार इसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस समय हद कर दी जब बीजेपी की लेकिन विपक्ष के ऊपर भी वो टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे। आईपी सिंह जी ये कहा कि राम विरोधी होकर अहंकार इतना आ गया कि राम का विरोध करा इसलिए जीत भी नहीं पाए ना अपनी सरकार बना पाए। देखिए सवाल ये है कि जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब केंद्र में सरकार थी तो मात्र एक वोट से वो सरकार गिर गई थी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में अनैतिक सरकार नहीं बना सकता चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसी बीजेपी उसी थॉट पर चलने वाले मोदी जी जिस तरह से जोड़ तोड़ करके आनंद फानंद में उन्होंने बिना अपनी बैठक बुलाए बीजेपी का संसदीय दल बुलाए, उन्होंने जिस तरह से राजग की सरकार बनाई है, सवाल विपक्ष पर नहीं उठता। विपक्ष ने तो और देश की जनता ने तय किया कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, देश से उन्हें हटाया। बनारस में जिस तरह से वो ट्रेन किए 3.5 घंटे तक वो चुनाव हारते रहे, जिला प्रशासन ने उन्हें, लेकिन दोनों पक्षों को यहाँ पर देखना आखिरकार जरूरी बन जाता है। आईपी सिंह जी जो संघ की तरफ से जो स्टेटमेंट फिलहाल आ रही है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स ऑल्सो लिसन इन एज फार एज द आरएसएस चीफ हिमसेल्फ इज कंसर्न, मोहन भागवत हु हैड अर्लियर टेकन अ डिग एट बीजेपी, लिसन इन टू योरसेल्फ व्हेन ही टॉक्स अबाउट व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन प्रोसेस एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स दैट डिड नॉट कम आउट इन द फेवर ऑफ द बीजेपी अलोन।
चुने क्यों जा रहे लोग, संसद में जाएंगे बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है, तो मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। Well, that was the first statement that came in from Mr. Mohan Bhagwat of the RSS. Pragya, thank you very much for joining in. We'll get you more reactions on that story back after a short break.